आप पता कर लें, क्योंकि ये आपका भाई है या उसकी जगह कुछ की शक्ल का मुक्कल बैठा हुआ है। क्रिकेटर्स में अगर इमरान खान को किसी क्रिकेटर से चिढ़ती ना, नफरत थी, तो वो रमीज भाई है। अपेरेंटली ऐसा लगता है खान साहब किसी से नहीं डरते। एक बंदा है जिसके फोन से भी इमरान खान जैसे कोई इसका फोन हुआ। अभी तो ये कल्चर जो है आपके अजीम लीडर ने शुरू किया। मेरा ये ख्याल है कि जुमैमा जैसी औरत, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ माहविश तबस्सुम। मुबश्शिर साहब, बड़े खुश लग रहे हैं आप। ट्रैवल कर रहे हैं आप, पाकिस्तान से जा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान से जाने की खुशी है या वैसे ही ट्रैवल की जो इंसान को एक्साइटमेंट होती नहीं, ट्रैवल की भी एक्साइटमेंट होती है, है? लेकिन असल एक्साइटमेंट होती है कि जब आप कहें कि थोड़े दिन के लिए आप समझें कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं है और आप अपने बच्चों को अगर आप मिल रहे हो काफी दिनों के बाद, तो वो भी तो एक एक्साइटमेंट होती है ना, सबसे बड़ी तो। और बात यह है कि वरना ट्रैवलिंग बड़ा मुश्किल काम होता है मेरे लिए। आई हैव टू पुट असाइड टू मेनी थिंग्स, वर्क वगैरह, इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ होम, एवरीथिंग। और मुझे ना एक्चुअली मैं ट्रैवल जब मैं कर रहा होता हूँ जिस वक्त ना, तो उस टाइम पे मैं बहुत थक गया होता हूँ। तो यानी जैसे मैं कर रहा होता हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग्स आप करें पहले, फिर अपने वीलॉग्स करें, आप प्रोग्राम्स भी कोई एडवांस में रिकॉर्ड करें, स्पेशली अगर ईद वगैरह के करीब कर रहे होते हैं, ईद शोज पहले रिकॉर्ड करें, तो वो डे एंड नाइट आप वो कर रहे होते हैं, भाग दौड़ कर रहे होते हैं, आप दफ्तर के काम कर रहे होते हैं और उनके जो अपने अपने जॉब्स है वो कर रहे होते हैं। और आपको पता है कि यहाँ से अक्सर जो फ्लाइट्स होती हैं वो रात को, आधी रात को होती हैं, सो बाय द टाइम यू गेट देयर तो आपकी वो पूरी रात तो काली हो गई होती है। और फिर आप जब उतरते हैं, आप कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं हर जगह, आप दुबई उतरे हैं या दोहा उतरे हैं या इस्तंबुल उतरे हैं या कतर उतरे हैं या अबू धाबी उतरे, तो आपको वो 4 घंटे का भी एयरपोर्ट पे स्टॉप ओवर है, उस पर आप सो भी नहीं सकते। आपको पता है मैं सो गया तो फ्लाइट में सो जानी है। सो ट्रैवलिंग जो हमारे यंग एज में ट्रैवलिंग थी उसका फन और था। और अब जरा कहते हैं पंजाबी में बुढ़े वाले जो ट्रैवलिंग है ना, उसमें एफर्ट करना। सर वैसे आप जा कैसे रहे हैं? आप कराची से जा रहे हैं वाया कराची, जी आप जी कहाँ पर है, कनेक्टिंग फ्लाइट आपकी कहाँ से होती? मेरी अबू धाबी से है, लेकिन मैं जो एक मेरी सीक्रेट है ना ट्रैवलिंग की, मैं एक तो कोशिश करता हूँ कि मैं कोई बेल्ट ना पहनूँ, जीन्स ना पहनूँ, मैं अपना वो फॉर्मल जूते जो होते हैं ड्रेस शूज वो ना पहनूँ, और ये जैसे मैंने टी शर्ट पहनी कंफर्टेबल उसमें रहूँ, क्योंकि एयरपोर्ट पे जब आप आधी नींद में होते हैं और वो कहते हैं ना जूते उतारे हैं, बेल्ट उतारे हैं, घड़ी उतारे हैं, तो मैं वॉलेट भी नहीं कैरी कर रहा होता। मेरे जो मैं दो चार एक यानी थोड़ा सा कैश होगा, कोई लूज कैश होता है टैक्सी के लिए उतना होता है, या कोई कार्ड वगैरह होगा, एंड दैट इज इट मेरी जेब में। मैं तो बटवा भी नहीं लेके चलता कि एयरपोर्ट पे निकालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, चीजों का ध्यान रखो, ये करो, तो अल्लाह अल्लाह। तो वाकई बहुत मुश्किल काम है। इवन A lot of times I don't even carry my laptop with me. वो भी मैं बैग में रख देता हूँ a lot of times. तो आज मैं अपना आईपैड मैंने रखा है, लैपटॉप नहीं आईपैड रखा है, और मुझे यही हो रहा है कि बार बार खोलना पड़ेगा, ऑन करके दिखाना पड़ेगा एयरपोर्ट पे, आपको पता है सिक्योरिटी चेक्स। सर आपने वैसे अच्छा सीक्रेट दिया है, मैं भी इस चीज को फॉलो करूंगी, क्योंकि अक्सर रिंग भी, रिंग पहनी हो वो उतार लेते हैं वो। हाँ वो आपको नहीं पहननी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं ना, तो हमें एहसास नहीं होता, क्योंकि मैंने तो फ्लाइंग की भी है तो मुझे पता है कि आप एक सर्टन एल्टीट्यूड पे होते हैं तो कितनी डिहाइड्रेशन होती है और आपको सन की रेज अफेक्ट कर रही होती है, तो बहुत बेहतर होता है कि आप बहुत पानी पीते रहें। और जो लोग जहाज़ों में ज़्यादा कोक्स वगैरह पीते हैं या कोई और ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, उनको मज़ीद डिहाइड्रेशन होती है। तो बेस्ट सोल्यूशन इज वाटर और सम फ्रेश जूस। देयर इज नो वाटर, ये भी अच्छा आपने वैसे मुझे बता दिया, क्योंकि मुझे मैं भी ड्रिंक्स पीती रहती हूं। आदमी डिहाइड्रेटेड रहता है, आप जब उतरते हैं ना तो आप फटीग फैक्टर होता है बहुत ज्यादा। तो सर आप अभी लंदन जा रहे हैं, कितने दिन का ट्रिप है आपका? अभी छोड़े हैं आपके ट्रिप अल्लाह सर मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि हमारे नाजरीन को ये पता हो कि वो आपके व्लॉग या नहीं। बताता रहूंगा, आप फिक्र ना करें, मेरा हमेशा प्लान जो होता है काम आप साथ साथ करेंगे, ये आपकी वेकेशन होगा। मैं काम के लिए आप समझे जा रहा हूँ, मैं एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग फॉर अ वेकेशन, आई एम गोइंग फॉर सम वर्क। और वो ये है कि क्या कहते हैं, एक मैं
बड़ी स्टोरी करने जा रहा हूँ महावेश, अगर वो हो गई तो फिर आपके लिए भी और नाज़रीन के लिए भी बहुत बड़ा धमाका होगा दोस्तों। ओके, सब फिर तो हम वेट करें। हाँ, और ये है कि जब से ये आया ना स्ट्रीम यार्ड भी और जूम भी और ये स्काइप और ये बीमारियाँ, तो ये राहु वैस मेरा पीछे नहीं छोड़ता ना, मैं खरा सच मुझे छोड़ना पड़ता है ना, मैं ये छोड़ सकता हूँ। बस वही है, जैसे आज मैं ट्रेवल कर रहा हूँ ना, आज रात को मेरी फ्लाइट है तो ही कांट हेल्प इट, तो वो अब मैं नहीं कर सकता खरा सच, लेकिन जैसे ही मैंने लैंड करना है भाई साहब ने स्ट्रीम यार्ड ऑन करके कह देना ये डेवलपमेंट है खरा सच करे आप, मैं यूं बैठ के कर रहा हूँ आंखें खोल के वहां पे कॉफी पे कॉफी पी रहा हूँ। एनीवे, दैट इज हाउ वन ट्रेवल्स। सर, इस तरह के प्रोड्यूसर का होना एक लिहाज से फायदेमंद भी है और एक लिहाज से नुकसान। आप रख लें उसको, आप रख लें। सर, मेरे साथ भी तो है वो काम। हमारे साथ सारे अच्छे रहे हैं, जितने पहले भी थे जिन्होंने किया वो भी डेडिकेटेड रहे, ऐसी बात नहीं है। तो ये काम डेडिकेटेड लोगों का काम है, ऐसा ही है, ये पागल लोगों का काम है, जुनूनी लोगों का काम है, ये नॉर्मल कमेडियन डाल के जो जिंदा रहते हैं ये उनका काम नहीं है। 9 to 5 जॉब करने वालों का नहीं है एक्चुअली। अब वैसे 9 to 5 तो जॉब रही कोई नहीं गई, अब तो प्रैक्टिकली कोई नहीं है 9 to 5। सर यहाँ है, यहाँ पे है। आई नो, वो आप बहरहाल चले, वो अब हम दूर के ढोल सुहाने, हमें पता ही नहीं है उसका। सर यहाँ तो 9 to 5 ही चलता है काम, 5 बजे के बाद मॉल्स बंद हो जाते हैं, आप सोचें सब कुछ बंद हो जाता है यहाँ 5। सर खैर, खान साहब के बारे में मैं बात करना चाहूंगी, हम अक्सर खान साहब के हवाले से बात करते रहते हैं, मेरे माइंड में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, जाहिर है आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती रही है खान साहब से, तो वो जो खान साहब थे वो और जो इस टाइम खान साहब हैं, इनमें फर्क क्या है? मैं कब बताऊँ, ये हमने कभी सोचा, बल्कि एक दफा मेरी इमरान खान की बहन, मेरी भी बहन है अली, ऐसी बात अली से बात हो रही थी, बहुत पहले की बात है, अब तो बड़े दिनों से मेरे से नाराज है, तो सारी बहनें तो खासतौर अलीमा जो है, वो उनको मैंने एक दफ़ा पूछा था, मैंने कहा यार ये पता करो, आप पता कर लें क्योंकि ये आपका भाई है या उसकी जगह को उसकी शक्ल का मौक्कल बैठा हुआ, इतना फ़र्क है दोनों में। यानी आप ये देखें कि इमरान खान बिफोर बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर वॉज टोटली अ डिफरेंट पर्सन, and after becoming a prime minister he negated everything that he had propagated, everything, not even one thing. aapko main ek example, choti si example deta hu jo bilkul jiska koi tuk hi nahi banta, yahan pe main siyasi example nahi de raha aapko. cricketers mein agar imran khan ko kisi cricketer se chid thi na, nafrat thi, to wo ramiz raha jate. aur ek din main kahin ja raha tha, mujhe yaad hai, to imran ne pucha kahan ja rahe ho, maine kaha yaar wo ramiz aaya hua hai, usko maine milna hai, to ये सर ना मिलो उसको, बहुत ही गलत आदमी है, ये है वो, जो जो उसने कहना था कह दिया उसके मतलब, अब मैं क्या रिपीट करूं। तो मैंने कहा अच्छा, अब मेरी और रमीज की यानी उन रीजन से अनबन होना शुरू हो गई। हर यानी 2 साल पहले खान साहब ने पीसीबी का चेयरमैन बनाना था, उठा के रमीज राजा को बना दिया, जिसके मतलब वो खुद मुझे कहते थे ये बुकियों का दोस्त है, ये इंडियन बुकीज का दोस्त है, ये ESPN पे इसलिए करता है, स्टार पे इसलिए करता है, ये इंडिया की इसलिए तारीफ करता है कि वहां पे इसको पैसे मिलते। ये नहीं, मैं आपको बताने का ये मतलब है कि हर चीज जिसको इमरान खान ने, मसलन इमरान खान बिलीव के क्रिकेट का सबसे बड़ा माइंड जो है जावेद मियांदाद है, लेकिन जावेद मियांदाद को इमरान ने क्रिकेट बोर्ड के करीब नहीं आने दिया। इमरान खान समझते थे कि सबसे ज्यादा ऑनरेबल प्लेयर जो है, ऑनरेबल कैरेक्टर वाइज, वो मोहसिन हसन खान है, और मोहसिन हसन खान जो है वो बड़ा स्ट्रेट कैरेक्टर वाला स्ट्रॉन्ग ऑनेस्ट आदमी है, लेकिन जब स्पॉट फिक्सिंग भी हो रही थी, मैच फिक्सिंग भी हो रही थी, ये सारे एलिगेशन से इमरान ने मोहसिन खान को नहीं करीब आने दिया टीम के, कि जिनके मतलब को खुद कहते थे कि सही। तो मैं आपको क्रिकेट के हवाले से बातें बता रहा हूँ कि वो हर चीज में इमरान ने डिफरेंट किया जाके, तो मैं क्या कहूँ क्या फर्क, हर चीज ही फर्क थी। यानी यानी पहले इमरान चाय भी नहीं पीता था मेरा ख्याल, फिर वो चाय पीना शुरू हो गया, यानी हर चीज में फर्क हो गया। सर लेकिन ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन इन सब बातों की वजह से तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन आप खान साहब को से क्यों कंपेयर करते हैं?
हिटलर से इसलिए कि हिटलर जो था वो भी इलेक्शंस के थ्रू आया था, इलेक्ट हुआ था। अच्छा। और लेकिन फासिस्ट पार्टी ने जिस तरह का आके रूल किया था कि अपने सारे मुखालफों को एलिमिनेट कर दिया और ख़त्म करने की कोशिश में रहे, और फिर गोएबल्स को जो अपॉइंट किया हुआ था कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि लोग उसको सच समझना शुरू हो जाए, तो आप, और फिर यह है कि जो तुम्हारे इंटरेस्ट के खिलाफ उठे उसको जत्था बनाओ और उसको पकड़ के जाके फंड दो, उसको मार दो, कुट दो, कि वो डर के बैठ जाए, चुप करके बैठ जाए, और दूसरे मुखालफिन जो है वो भी डर के दबक जाए कि यार ये हमारा भी हाल वैसा होना है। तो आई मीन हर वो चीज़ जो हिटलर ने की अपनी स्टारडम के लिए और स्टारडम में आने के बाद, वो आपको और इमरान खान में बड़ी आपको कॉमन फैक्टर्स नजर आएंगे। तो बल्कि आप पीटीआई की वर्किंग देखें तो एक्चुअली ये फासिस्ट पार्टी की वर्किंग पे पूरी की पूरी, आप गूगल आज करके देखें तो वो जर्मनी की जो फासिस्ट पार्टी थी देखो उसके यानी मोल्ड पे ही ये मोल्डेड है, और ये बड़ी सख्त बात है। लेकिन मैं आपको ये जो आपका तज़िया है ना, ये नज़ीर लवारी साहब भी देखो, मैं उनके साथ प्रोग्राम करती रही टीवी पे, तो ये सेम जो बात आप बोल रहे हैं ये बातें वो भी बोलते थे। नज़ीर लगारी बहुत हमारे सीनियर हैं और बड़े, नज़ीर लगारी भी उन लोगों में से हैं, साथियों में से जिन्होंने दहशत गर्दी के भी मुकदमात भुगते हैं, ठीक है ना, और अदालतों में खड़े रहे हैं और उन्होंने सच बोलना नहीं छोड़ा। तो बड़ा मुश्किल है आज के जमाने में सच बोलना, हर आदमी कहता है जी सच बोलना चाहिए, लेकिन बोलता कहता दूसरा मेरे से सच बोले, मैं बोलूं ना बोलूं मैं डिसाइड करूं। सर खान साहब की तीनों बीवियों से आप मिले हुए हैं, तीनों में बेहतर कौन है आपके ख्याल? देखें नॉर्मली अपना आप किसी की वाइफ पे तो नहीं कमेंट करना चाहिए ना, आप जो उनकी वाइफ है, लेकिन मैं तो एज अ पर्सन या एज अ फ्रेंड कर सकता हूँ कि जो मेरा सबसे सलाम दुआ हुई जितनी मेरे लिए, तो यानी अपनी अपनी स्टेज पे वो भाभियाँ, यानी मैं या मैं तो उस तरह उनको भाभी कहता था या वट एवर आप उस तरह से बात करते ना। मेरा ये ख्याल है कि जुमैमा जैसी औरत मैंने तो पाकिस्तान में नहीं देखी, लेट अलोन पाकिस्तान में तो हो ही नहीं सकती ना। हाँ। यानी इतनी ज्यादा उसने खान को सपोर्ट किया और अभी तक कर रही है, और जिस तरह उसने बच्चों को पाला है, यानी उस फैमिली को खट्टा रखा। अच्छा हाँ, मैं सियासत से अलग बात कर रहा हूँ और मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, आप टेरियन वाइट को भी ले लें जिसके ऊपर एलिजिट क्वेश्चन मार्क है, उसको भी जुमैमा ने ओन किया हुआ, उसको भी अडॉप्ट किया हुआ, तो यानी ये बड़े आदमी की निशानी है और उसको जरूरत नहीं थी। जिस सोसाइटी से वो आ रही है, जिस मुआशरे से वो आई, उसने इस्लाम भी कबूल किया, उसने शलवार कमीज भी पहनी, उसने शौकत खानम को भी जाके उसने बड़ा ओन किया, तो मेरा ख्याल है कि जुमैमा जैसे लोग आपको जिंदगी में कम मिलेंगे, लेट अलोन एक लोग की बात नहीं है, आपको लाइफ में भी बड़े कम लोग आपको इतने बेलॉस मिलेंगे, इतने सिंसियर मिलेंगे। तो मेरी किताब में तो मैं तो एज अ फैमिली फ्रेंड बात कर सकता हूँ ना, फैमिली को जानने वाला, तो यानी मैं बुराई नहीं कर रहा ना रेहाम की ना पुशा बेगम की, मुझे कोई बुराई नहीं करनी, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि जुमैमा वाज अ कट अबव द रेस्ट। ऐसा ही है, और सर वो रहेंगी, जितनी लॉयल वो है खान साहब के साथ मेरा नहीं ख्याल कोई और है। शायद अपना पता नहीं, तलाक के बाद पुशा बेगम भी लॉयल रहे, मुझे नहीं पता, अगर तो हो जाए खुदा ना खास्ता, लेकिन यह है कि मेरा ख्याल है कि देखिये मैं आपको फर्क बताता हूँ, जो बच्चे होते हैं ना वो अपनी माँ की बात मान रहे होते हैं हर वक्त है। तो अगर माँ चाहे तो बच्चों से नफरत करा दे बाप, तो अगर वो ये ना करवाए और वो बाप के लिए फील करे तो माँ को क्रेडिट जाएगा, ये तो क्रेडिट माँ को जाएगा। मैं देखता हूँ अपने नॉर्मल घरों की बात कर रहा हूँ कि आप बंदा जितना मर्जी स्ट्रांग हो, जो मर्जी हो, तरबियत जो है ना बच्चों की वो माँ ही कर सकती है, बाप नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, बाप चाहे भी तो नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल है, क्लेम्स करना बड़ा मुश्किल काम है, एक अलग बात है, लेकिन यह है कि ये अल्लाह ताला ने औरत को मलका दिया हुआ है कि उसी से इंसान की नस्ल चलनी है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। और औरत अगर खाना खासा बच्चों को डिक्लेक्ट कर दे तो बच्चे कहीं के नहीं रहते, नहीं रहते, ये बात सच है, ऐसा ही है बिल्कुल। सर खान साहब जो हैं अपेरेंटली ऐसा लगता है खान साहब किसी से नहीं डरते,
आप तो उनके दोस्त रहे हैं, आपको पता होगा हम सब किसी से डरते हैं। एक बंदा है, हाँ ऑफ हैंड मैं आपको बता सकता हूँ, एक बंदा है जिसके फोन से भी इमरान खान जो है कोई इसका फोन कौन? हुआ, इसका फोन हुआ। इमरान खान की जितनी बहनें हैं ना, उनमें जो उनकी सबसे बड़ी हमशीरा है ना, सबसे बड़ी बहन है, वो अमेरिका में रहती है, रुबीना। अगर इमरान खान को किसी से डर लगता है ना, तो वो रुबीना बहन से लगता है। रियली क्यों? कि उनको वो ना नहीं कर सकता, और वो शी इज वन पर्सन हु कैन से एनीथिंग टू हिम। बाकी इमरान को मैंने देखा किसी आदमी को डिक्टेट करते हुए, एक्सेप्ट मे बी वो शी इज अ स्पिटिंग इमेज ऑफ हिज मदर, वो बिल्कुल माँ की तरह है, जितना गैप है उनका, जितनी बड़ी है वो, और उन्होंने उसी तरह पाला है जैसे बड़ी बहन नहीं बल्कि एक माँ बच्चे को रखती है। बाकी बहनें जो है ना, वो बातें बुते तो कर लेती हैं, लेकिन वो डरा नहीं सकती इमरान को। लेकिन अगर वो आए ना फोन, रुबीना आपा का फोन आए, तो फिर इमरान खान भी यूं बैठ के फोन सुनते आराम से। सर, ये खान साहब के चाहने वालों के लिए एक बड़ी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वो तो बड़े खुश होंगे ये जान के क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है ना इस तरह की बातें। नहीं, इमरान की बहनें भी, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग वेमेन, दे आर नॉट, आई मीन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी डोमेस्टिकेटेड सबमिसिव वेमेन, दे आर वेरी ऑनरेबल एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सर, बाजवा साहब की एक फ्रांस में वीडियो लीक हुई है और बड़ा अफसोस हुआ मुझे वो वीडियो देख के, क्योंकि वो फैमिली के साथ बैठे हुए हैं और कोई आता है और बुरा भला कह के उनको जा रहा है। सर, ये वाला जो कल्चर है ये कब खत्म होगा? मतलब मैं, मुझे नहीं पता वो कौन है, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो पाकिस्तानी है, वो जो भी है, लेकिन सर ये इस तरह की हरकतें। अभी तो ये कल्चर जो है आपके अजीम लीडर ने शुरू किया, तो अभी खत्म पता है। आज तक आपने ये कितना इत्तेफाक की बात है कि जो भी पीटीआई का मुखालिफ है उसके साथ ये होता है, चाहे वो मक्का में हो, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो पेरिस में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। यानी इमरान खान के हामी के साथ नहीं हुआ कभी, ना इमरान खान के साथ हुआ, ये क्या वजह है? ये भी जरा सोचें कि ये इमरान खान क्या तरबियत कर गए अपने लोगों की, जिसको अब ये खुद भी ठीक नहीं कर सकता, लेकिन इसकी बला से उसको परवाह ही नहीं है। सर दुनिया लोग खराब मोहब्बत है हुए, ना। दुनिया हाँ की रवायात उसने खत्म कर दी, अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया, बट दैट इज इमरान खान, दैट इज वॉट ही इज, दैट सर इज वॉट ही लोग इज। मोहब्बत करते हैं ना एक्चुअली खान साहब ये से तो। मोहब्बत नहीं है भावेश, आप अपने बाप से मोहब्बत करती हैं तो आप अपनी माँ को बेइज्जत करेंगी, तो नहीं, ऑब्वियसली फिर ये आप इधर भी वही है, आप बड़ों चलें की सर। रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरों को भी आप रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं, आप डिफरेंस रखते हैं अपना, आप कहते हैं सर मैं अपने खान साहब तो नहीं कहते होंगे ना लोगों को कि जाकर ये करो। खान साहब बहुत कुछ कहते हैं, आपको ये बात भी नहीं पता, आप फिरदौस आशिक वान की बातें सुने, वो आपको पता चलेगी क्या क्या कहते हैं लोग। ठीक है, चलिए सर, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेती, आपकी फ्लाइट है, हैव अ सेफ ट्रेवल, और इंशाल्लाह हम प्रोग्राम आपसे अब वहां जहां आप जा रहे हैं वहां से करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत है, अल्लाह ने के बाद।